दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टैक्स ऑन सेल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो जब आप म्यूचुअल फंड्स को सेल करते हैं तो कितना टैक्स आपको उसके ऊपर पे करना पड़ता है, तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो को जान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड की टाइप जो है वो बना ली है, जहाँ मैंने म्यूचुअल फंड्स को तीन टाइप में डिवाइड कर दिया है। पहले आप देख सकते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, सेकंड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और थर्ड हाइब्रिड या फिर बैलेंस ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। तो देखिए दोस्तों, जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ पर इक्विटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है, जब कोई म्यूचुअल फंड हाउस इक्विटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करे वो मोर देन 65% ऑफ इट्स कॉर्पस इन डोमेस्टिक कंपनी इक्विटी शेयर। मीन्स जहाँ पर इक्विटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है किसी डोमेस्टिक कंपनी की जो कि लिस्टेड होती है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो जो भी टोटल फंड है उसमें से 65% से ज़्यादा इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा और जो बैलेंस होगा वो अदर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर होगा। तो इस तरीके के जो फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, उनको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पर इक्विटी का जो एक्सपोजर होता है वो मोर देन 65% होता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे इक्विटी फंड हो गए, आर्बिट्रेज फंड हो गए, बैलेंस फंड विद 65% इक्विटी हो गया, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड हो गए। तो इस तरीके के जो फंड होते हैं उनको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड बोला जाता है। और ये जो म्यूचुअल फंड होते हैं ये बहुत रिस्की होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितना रिस्क होता है उतनी गेन की संभावनाएं भी बनी रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक्सपोज़र होता है वो इक्विटी के अंदर एक्सपोज़र होता है। तो इस फंड की जो NAV होती है वो टोटली डिपेंड करती है कंपनीज़ की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर कंपनीज़ अच्छा करेंगी तो NAV भी बढ़ जाएगी म्यूचुअल फंड की, और अगर कंपनी ख़राब करेंगी तो जो NAV है म्यूचुअल फंड की वो नीचे आ जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है, क्योंकि यहाँ का इक्विटी का एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा रहता है। वहीं अगर मैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करूं दोस्तों, तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं बॉन्ड्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर या फिर अदर डेट इंस्ट्रूमेंट के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ इक्विटी के कंपेरिजन में डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की, तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आपके बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं होते हैं, और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर होते हैं वो जनरली यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती है, अगर मैं डेट की बात करूँ तो डेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 65% से ज़्यादा होता है टोटल म्यूचुअल फंड का, या टोटल कॉर्पस का आप बोल सकते हैं। वहीं इक्विटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो 35% से कम रहता है। तो देखिए, यहाँ पर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को लेकर एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट किया गया था फाइनेंस बिल 2023 के अंदर, जहाँ पर ये बताया गया था कि जो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड होंगे, तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड को लेकर ये चेंज किया गया था। जो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड होते हैं वो ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जहाँ पर जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट रहता है वो 35% से कम रहता है। तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि जितने भी डेट म्यूचुअल फंड होंगे वो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कहलाएंगे, फंड ऑफ फंड्स, गोल्ड और सिल्वर फंड्स, ETFs, इंटरनेशनल फंड, मल्टी एसेट फंड, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। तो इस तरीके के जो फंड होते हैं उनको स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड बोला जाता है, क्योंकि जनरली इनके अंदर क्या होता है, जो इक्विटी का इन्वेस्टमेंट रहता है वो 35% से कम रहता है। तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा चेंज किया गया था, वो चेंज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल गेन टैक्स लगाने का तरीका था उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया था। और लास्ट में होता है हाइब्रिड और बैलेंस फंड। तो हाइब्रिड और बैलेंस फंड आपके ऐसे फंड होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं एक एसेट क्लास से ज़्यादा, जैसे इक्विटी में करेंगे, डेट में करेंगे, अदर एसेट्स में करेंगे। तो यहाँ पर भी फर्दर दो जो है कैटेगरी निकल के आ जाती हैं, एक इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड होते हैं जहाँ पर मिनिमम 65% की इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी के अंदर की जाती है, और एक आपके डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड या बैलेंस फंड होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपके साथ इक्विटी ओरिएंटेड और डेट ओरिएंटेड बैलेंस फंड का जो कैपिटल गेन टैक्स है वो आपसे कवर नहीं करूँगा, क्योंकि जो आपका इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड होगा या बैलेंस फंड होगा उसके ऊपर सेम वही टैक्स ट्रीटमेंट लगेगा जो कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के ऊपर लगता है। इसी तरीके से जो डेट ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड होगा उसका जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा वो भी सेम वही होगा जो कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का होगा। तो इसलिए ये वाली कैटेगरी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी इक्विटी ओरिएंटेड और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं तो वो सेम ऐसे ही होंगे जैसे ये आपके इक्विटी ओरिएंटेड और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होते हैं। तो ये चलिए हमने बात कर ली टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड की। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो आपका कैपिटल गेन माना जाएगा वो किस हिसाब से माना जाता है, और उसके बाद हम देखेंगे कितना टैक्स इसके ऊपर लगाया जाता है। तो देखिए, जो कैपिटल गेन आपको होता है इनके ऊपर, तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए यहाँ पर जो भी प्रॉफिट या गेन होता है उसको कैपिटल गेन हम बोल देते हैं, क्योंकि जो आपके म्यूचुअल फंड होते हैं दोस्तों उनको कैपिटल एसेट माना जाता है, और कैपिटल एसेट जब आप सेल करते हैं तो उनको सेल करने पर जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल गेन बोल देते हैं। तो कैपिटल गेन की बात करूँ मैं सबसे पहले इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की, तो जो होल्डिंग पीरियड है वो देख लिया जाता है इस केस में, कि आपने वो जो म्यूचुअल फंड है कितने दिन तक होल्ड किए। तो सपोज करें, अगर आपने म्यूचुअल फंड जो है लेस देन 12 मंथ होल्ड किए, या आप बोल सकते हैं एक साल से कम आपने होल्ड किए, या आप बोल सकते हैं कि आपने जो परचेज़ किए परचेज करने के बाद एक साल से पहले ही आपने सेल कर दिए, 12 महीने से पहले ही आपने सेल कर दिए,
तो वहाँ पर आपको जो भी गेन होगा उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलेंगे। और इसी तरीके से अगर आपका होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है, या 12 महीने या 12 महीने से ज़्यादा का है, या फिर एक साल से ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो आपको गेन होगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करूँ, तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्पेसिफाई म्यूचुअल फंड्स को लेकर फाइनेंस बिल 2023 के अंदर अमेंडमेंट कर दी गई थी, और वहाँ पर 31 मार्च 2023 के बाद कोई भी म्यूचुअल फंड आप परचेज करेंगे तो उस पर जो तरीका है कैपिटल गेन टैक्स लगाने का, वो टोटली ही चेंज कर दिया गया था। तो इसलिए आपको यहाँ पर दो कैटेगरी में इसको देख के चलना पड़ेगा। अगर आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड 31 मार्च 2023 तक ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं, तो फिर आपके पास ऊपर जो है ओल्ड रूल जो है उसके हिसाब से ही कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तो ओल्ड रूल क्या कहता था, तो ओल्ड रूल के अंदर जो होल्डिंग पीरियड था वो 12 महीने की कंपैरिजन में, जैसे इक्विटी में हम 12 महीने देखते थे, तो ओल्ड रूल के अकॉर्डिंग डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर जो पीरियड आप देखेंगे वो 36 महीने का देखेंगे, या बोल सकते हैं 3 साल का देखेंगे। तो अगर आप 31 मार्च 2023 तक डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड परचेज कर चुके हैं, तो वहाँ पर अगर आपका इसका होल्डिंग पीरियड 36 महीने से कम है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और वहीं होल्डिंग पीरियड इसका 36 महीने या 3 साल आप बोल सकते हैं उससे ज़्यादा है, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। वहीं दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्पेसिफाई म्यूचुअल फंड। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, 31 मार्च 2023 के बाद अगर आपने स्पेसिफाई म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं, तो ध्यान से आपको सुनना है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। तो 31 मार्च 2023 के बाद ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की बात करता है, और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड उन म्यूचुअल फंड्स को बोला गया जिनके अंदर इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट रहता है वो 35% से कम रहता है। अगर आपने 31 मार्च 2023 के बाद ऐसे स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं जिनके अंदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट 35% से कम होगा, तो वहाँ पर दोस्तों होल्डिंग पीरियड अब मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि अप्रैल 2023 के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट कर दी गई थी। तो होल्डिंग पीरियड आपको यहाँ देखना ही नहीं है, तो कहने का मतलब है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो बेनिफिट मिलता था 20% टैक्स का, या फिर आपको जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप लेते थे, अब वो आपको नहीं मिलने वाला है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के केस में, ऐसे म्यूचुअल फंड के केस में जहाँ पर आप 31 मार्च 2023 के बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे और इक्विटी इन्वेस्टमेंट वहाँ 35% से कम होगा। तो 31 मार्च 2023 से पहले आप परचेज करेंगे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, 36 मंथ का पीरियड देखा जाएगा, इवन आप उसको 31 मार्च के बाद भी सेल करें। तो परचेजिंग डेट इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो एक्विजिशन डेट है, बाय डेट है, वो इंपॉर्टेंट है। 31 मार्च 2023 तक की परचेज आप कर चुके हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कभी भी आप सेल करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना है। बट अगर 31 मार्च 2023 के बाद आपने स्पेसिफाई म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं जहां इक्विटी इन्वेस्टमेंट 35% से कम है, तो वहां होल्डिंग पीरियड कुछ नहीं होगा, हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, इसकी वजह से जो नुकसान हुआ था वो जो हाई टैक्स ब्रैकेट वाले पर्सन हैं इस अमेंडमेंट के बाद, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, जो ऑलरेडी 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं या 20% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं। मैं एक एग्जांपल से भी आपको ये बताने की आगे कोशिश करूंगा, क्योंकि क्या होता था कि पहले जो हाई टैक्स ब्रैकेट वाले पर्सन थे, 30% टैक्स ब्रैकेट वाले पर्सन थे, वो क्या करते थे, एफडी या इंटरेस्ट एफडी वगैरह के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, क्योंकि एफडी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते थे तो वहाँ उनको जो भी इंटरेस्ट की इनकम होती थी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उनको 30% टैक्स उनके ऊपर जो है वो पे करना पड़ता था। तो वो क्या करते थे, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते थे, क्योंकि वहाँ पर उनको जो भी कैपिटल गेन होता था वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट उठाते थे, 36 महीने के बाद उसको सेल करते थे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता था, और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर उनको जो टैक्स पे करना पड़ता था वो 20% पे करना पड़ता था। तो कहने का मतलब है एफडी में अगर वो पैसा लगाते तो वहाँ इंटरेस्ट होता तो 30% पे करना पड़ता, यहाँ उनको 20% पे करना पड़ता था, तो 10% का तो टैक्स का ही गैप हो गया। और फर्दर क्या होता था कि उनको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता था, मींस इन्फ्लेशन का बेनिफिट भी उनको मिल जाता था, तो इसलिए बहुत बेनिफिट उनको यहाँ पर होता था। बट ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक आप बोल सकते हैं, अब ये अमेंडमेंट कर दी गई है तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड 31 मार्च 2023 के बाद परचेज किए हैं, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मतलब है इक्विटी इन्वेस्टमेंट लेस देन 35%, तो आपका हमेशा ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कितना टैक्स इसके ऊपर जो है वो पे करना है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं टैक्स की बात करूँ, जब आप म्यूचुअल फंड को सेल करेंगे, तो अगर मैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करूँ दोस्तों, तो मैंने आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, वो पिछली स्लाइड में बता दिया है, 12 महीने का पीरियड आपको देखना है। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो फ्लैट 15% टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, प्लस 4% एजुकेशन सेस इसमें और जुड़ जाएगा। सिमिलरली अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,00,000 रुपये तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। वहीं अगर 1,00,000 रुपये से ज़्यादा होता है तो जितना भी एक्सेस अमाउंट होता है
वहाँ पर आपको फ्लैट 10% पे करना पड़ता है प्लस एजुकेशन सेस, और यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। तो सपोज़ अगर आपको 1,10,000 रुपये का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था तो उसमें से 1,00,000 रुपये तक कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, जो एक्सेस 10,000 होगा उसके ऊपर आपको 10% पे करना पड़ेगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहाँ पर मिलता नहीं है। वहीं अगर मैं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की बात करूँ दोस्तों, तो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप 31 मार्च 2023 तक परचेज कर चुके हैं, अब आप उसको कभी भी सेल करेंगे तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा 36 महीने के पीरियड के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो आपका जो भी आपके टैक्सेबल इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा और आपके ऊपर जो स्लैब रेट है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। मीन्स अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हैं तो 2,50,000 तो कोई टैक्स नहीं लगता है स्लैब के अकॉर्डिंग, 2,50,000 से 5% हो गया, 5 से 10 आपका 20% हो गया और 10 से अब आपका 30% हो गया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका स्लैब के रेट के अकॉर्डिंग जो है टैक्स लग जाएगा। वहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, देखिए दोस्तों इसकी मैं ही बात कर रहा था, यही बेनिफिट जो है हाई टैक्स ब्रैकेट वाले पर्सन जो है लेते थे। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में क्या होता था, उनको फ्लैट 20% टैक्स पे करना पड़ता था और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी उनको मिल जाता था। तो एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँगा तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी कितना ज़्यादा बेनिफिट जो उनका होता था। बट अब ये जो फाइनेंस बिल 2023 के अंदर अमेंडमेंट की गई, उसके बाद जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आपने स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड परचेज किए 31 मार्च 2023 के बाद और उसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट 35% से कम है, तो अब वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट आपको मिलेगा ही नहीं। अब आप 3 साल के बाद सेल करें, 3 साल से पहले सेल करें, 6 महीने बाद सेल करें, 1 साल के बाद सेल करें, पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है वो मैटर करेगा ही नहीं। अब आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना ही नहीं है कि आपने कब सेल किया है, अब सिंपली ऑलवेज ही आपका वहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो मान लिया जाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, ये आपके टैक्सेबल इनकम के अंदर ऐड हो जाता है और आपको स्लैब के अकॉर्डिंग जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने आपको एक टेबुलर फॉर्म में एक टेबल बना दिया है जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी ऊपर डिस्कस किया है, वो सारी ही चीज़ें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। आपको यहाँ से देखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी, जैसे इक्विटी फंड के केस में और हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड के केस में 12 महीने का पीरियड देखा जाता है और ये टैक्स लग जाता है। वहीं डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड अगर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पे 36 महीने का पीरियड देखा जाता है। और फाइनली अगर आपने स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड परचेज किए हैं 31 मार्च 2023 के बाद, और स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का मतलब है जहाँ पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट 35% से कम हो, तो वहाँ पर आपको ऑलवेज ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और आपको स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। तो चलिए इस कंसेप्ट को दोस्तों हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है, जो हाई टैक्स ब्रैकेट में पर्सन फॉल करते हैं वो जो फाइनेंस बिल के अंदर अमेंडमेंट की गई थी, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स का कंसेप्ट था वो खत्म किया गया था स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड के केस में। तो देखिए बिफोर अमेंडमेंट अगर आप 31 मार्च 2023 तक डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को परचेज कर चुके हैं दोस्तों, तो सपोज करें आपने 2017-18 में 10,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट वहाँ की थी जब आपका जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था वो 272 का था, तो आपने 2022-23 में सेल किया 20,00,000 रुपए में, तो कहने का मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको हो जाएगा क्योंकि 36 महीने का पीरियड देखा जाता था। 31 मार्च 2023 तक आप जो परचेज कर चुके हैं तो यहाँ पर 3 साल के बाद उसने सेल किया है, तो इस तरीके से उसको जो कैपिटल गेन है वो 10,00,000 का हो जाएगा। बट क्योंकि यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है, तो जो 10,00,000 रुपये है उसको डिवाइड कर देंगे आप 272 से, और जो 2022-23 का इंडेक्स है उसका बेनिफिट आपको दे देंगे, तो इसलिए जो आपकी 10,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी वो बढ़कर जो है 12,16,000 मान ली जाएगी, और आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है देखिए वो आपका 7,83,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन का जो बेनिफिट है वो दिया जाता है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता था 31 मार्च 2023 तक जो आप इन्वेस्टमेंट कर लेते थे, और जो भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड ही 20% टैक्स लग जाता था, चाहे आप किसी भी टैक्स स्लैब में फॉल करते हो। तो इस तरीके से आपको 1,56,618 का जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ मैं फ्लैट टैक्स लेके चल रहा हूँ, 4% एजुकेशन सेस भी आपको यहाँ लगता है, वो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में नहीं लिया है, वो भी आपको जो है लगता है। अब मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, तो देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ अगर आपने स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड परचेज़ किए हैं 31 मार्च 2023 के बाद, तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ जहाँ पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है 35% से कम होता है। तो देखिए यहाँ पर 31 मार्च 2023 के बाद ये रूल आया है, तो इसलिए 31 मार्च 2023 के बाद ही आप कोई परचेज़ करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे 10,00,000 रुपये की सपोज आप करते हैं, और सेल भी ऑब्वियसली बात अगर आप 31 मार्च के बाद परचेज करेंगे तो सेल भी आपका 31 मार्च के बाद ही होगा, तो सेल आपने 20,00,000 रुपए का किया, तो यहाँ पर ऑलवेज
प्राइस ही जो है दोस्तों, आप देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको मान लिया जाएगा। अब आप 3 साल के बाद सेल करें, 3 साल से पहले सेल करें, आपका ऑलवेज ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो मेरे केस में 10 लाख रुपये हो गया। और देखिए यहाँ पर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी नहीं दिया गया, तो ये जो अमेंडमेंट आई थी उसके अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी खत्म कर दिया गया था और उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नहीं माना गया था। और यहाँ पर जो टैक्स लग जाएगा वो टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग लग जाएगा। तो सपोज आप ऑलरेडी ही 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो 3 लाख रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर 20% टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं तो 2 लाख रुपये, और 5% टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं तो 50,000 का टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो देखिए अब मैंने कंपैरिजन बना दिया है कि जो टैक्स लायबिलिटी का इंपैक्ट आपको निकाल के दिखा दिया है दोनों ही केसेस में। तो देखिए अमेंडमेंट से पहले आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में फॉल करें दोस्तों, सपोज अगर अमेंडमेंट से पहले अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते तो आपको 1,56,000 का जो है वो टैक्स पे करना पड़ता। अब अमेंडमेंट के बाद देखिए कितना ज़्यादा आपकी पॉकेट पर इंपैक्ट पड़ जाएगा। तो देखिए अब आपको वही जो टैक्स है बढ़कर वो 3 लाख रुपीज़ हो जाएगा। तो इसलिए जो हाई टैक्स ब्रैकेट वाले पर्सन थे उनको 1,43,382 का टैक्स जो है एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते हैं तो यहाँ पर भी आपको 43,000 एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर 5% टैक्स ब्रैकेट में है तो वहाँ आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं इस कंपैरिजन के बाद कि ये जो अमेंडमेंट आई थी फाइनेंस बिल 2023 के अंदर, वह उसके आने के बाद आप बोल सकते हैं कि बैंक में अगर FD करवा लें आप या डेट म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाएं 31 मार्च 2023 के बाद स्पेसिफाइड डेट म्यूचुअल फंड के अंदर, तो अब वो एट पार है, वो सेम ही हो गया है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि FD का इंटरेस्ट भी आपके टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाता है और आपके टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ता है। वहीं स्पेसिफाइड अगर आपके म्यूचुअल फंड हैं तो उस पर भी अब आपको टैक्स लैब के अकॉर्डिंग ही टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि अब ऑलवेज ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो कंसेप्ट है वो खत्म कर दिया गया है। इसी तरीके से आप अमेंडमेंट के बाद ये बोल सकते हैं कि जो हाई टैक्स ब्रैकेट वाले पर्सन थे जो कि 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते थे या 20% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करते थे, उनको इस अमेंडमेंट ने जो है नेगेटिवली इंपैक्ट किया है, उनकी पॉकेट पर जो है टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, अगर आप सेल करते हैं म्यूचुअल फंड तो उसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होना है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड थे जो कि स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आते हैं, जो कि 35% से ज़्यादा कम की इन्वेस्टमेंट जो है वो किसी म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं। तो वहाँ डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड तो आ ही जाते हैं, उसके अलावा और भी मैंने म्यूचुअल फंड आपको बताए थे जैसे गोल्ड या सिल्वर फंड, इंटरनेशनल फंड, तो ये सारे ही म्यूचुअल फंड वहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।